दस बारह साल तो रह रहे थे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, बहुत शरीफ परिवार है, माँ प्यो बड़े शरीफ ने, आप भी मुंडा बड़ा शरीफ है। परिवार के नाल मैं तो की सहमत, सारा पिंड ही सहमत, सारा इलाका ही सहमत। जांच तो हुण सरकार का काम है जी, हुण दूजे मेरा ख्याल है भी दूजी स्टेट च। व्यक्ति तो ठीक था, हमें तो ऐसी हरकत कभी देखी नहीं है इसकी, तो सुबह कितने कितने मिलता था, नहीं तो ड्यूटी जाता था। करनाल च हरियाणा पुलिस वालों गिरफ्तार किए गए चार नौजवानों चों लुधियाणा के पिंड पट्टिया के भुपिंदर सिंह के परिवार हुण दहशत का माहौल है, तो वह घरों बाहर नहीं निकल रहे। उत्थे ही इस मुंडे के गुआंढियों और लोगों का कहना है कि नौजवान का परिवार बहुत ही शरीफ है, तो पिछले 12 साल तो इतने रह रहा है। तुहाडी जानकारी लई दस दिए कि करनाल च चार नौजवानों शक्की अत्तवादी कह के चुकया गया है, जिन्हां चों एक भुपिंदर सिंह भी है, तो उसके घर हुण पुलिस पहुंची है। भुपिंदर के घर के सामने रहने वाले पुलिस मुलाजम और पिंड के साबका सरपंच मुताबिक वो करीब 12 सालों तो इतने रह रहे हैं, तो बहुत ही नेक परिवार है, कदे उन्होंने इदा का कोई शक नहीं होया। वो खुद हैरान ने कि नौजवान को गिरफ्तार किवें कर लिया गया। भुपिंदर के पिता प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो मुंडा आप एक प्राइवेट फैक्ट्री काम करता सी, तो हुण उसके घर पुलिस आई है, तो गवंढी भी हैरान ने, तो एडा वड्डा इल्जाम उसते किंज लग्या, तो बाहर इलाके की भी पुलिस वालों तलाशी ली जा रही है। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो, तो काबू किए गए नौजवान का परिवार हाले दहशत दे विच है, तो सुनो तुसीं उसके गवंढियों का की है कहना। आपका नाम जी? निर्वैर सिंह। क्या लगता है आप सरपंच रहे हैं, तो कैसे लगता है ये सब हुआ घटना, क्या करना चाहिए? बड़ा शरीफ परिवार है जी। अच्छा जी, तो क्या लगता है कैसे हुआ ऐसा, आपको शक है किसी को ऐसे गतिविधि लगती हो? नहीं पता नहीं हुण की हालात बने होंगे मौके से, किहो जिहे हालात होंगे, किस तरह पुलिस ने उन्होंने किया, ये तो हुण मौके के हालात दसणगे। क्या लगता है जी परिवार कितने समय से यहाँ पर रह रहा है, क्योंकि आप 10-12 साल तो रह रहे थे? तो आपने कभी ऐसा देखा कोई गल लगा हो? कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, बहुत शरीफ परिवार है, माँ प्यो बड़े शरीफ ने, आप भी मुंडा बड़ा शरीफ है। क्या काम क्या करते थे वो? कौन लड़का जो काम क्या करता है? लड़का प्राइवेट जॉब करता सी किते नेटिंग दे विच। क्या लगता है अभी उनका नाम आया, तो ऐसा नाम आने से पूरे देश भर में ऐसा हो गया कि पंजाब में सबसे ज्यादातर जो आतंकवादी? कोई एह जी गल नहीं हैगी, साड़ी नॉलेज दे विच भी एह जा मुंडा कोई काम करने वाला होगा। आप सहमत हो परिवार के साथ? परिवार दे नाल मैं तो की सहमत, सारा पिंड ही सहमत, सारा इलाका ही सहमत। जांच तो हुण सरकार का काम है जी, हुण दूजे मेरा ख्याल है भी दूजी स्टेट च, हरियाणे च, हरियाणे च होया, हरियाणे में। मांग क्या करते हो? मांग की साड़ी मंग जी, बड़ा शरीफ परिवार है, असीं तां कहिंदे वी हुण पता नहीं हुण हालात की बने होणगे उत्थे मौके ते, हुण सानू तां पता नहीं। मेरा नाम अरमान सलाल है जी। अच्छा, एक पुलिस के मुलाजिम भी हो और आपके घर के सामने एक शख्स का नाम आया कि वो करनाल पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्या कैसा था वो? जी कैसे व्यक्ति थे जो? व्यक्ति तो ठीक था, हमें तो ऐसी हरकत कभी देखी नहीं है इसकी, तो सुबह कितने कितने मिलता था, नहीं तो ड्यूटी जाता था, काम करता था, फैक्ट्री व्यूटी में काम करता था। हाँ, उसका फादर जो बलैरो गाड़ी रखा हुआ है वो किसी अटैच था कि कंपनी से, उधर से जाता है, सुबह जाता है, शाम को आता है। परिवार में कितने सदस्य हैं सर? सदस्य ने तीन, दो भरा है, एक सिस्टर है, सगा भरा नहीं है, उसका तो भूआ का लड़का है छोटा, 15-16 साल का लड़का है, तो मम्मी डैडी है। हाँ, आपको क्या लगता है जो आज हुआ घटनाक्रम, क्या लगता है ये ऐसे व्यक्ति थे या कैसे हो गया? भाई हमने ऐसी हरकत देखी नहीं है भाई, जहाँ चार आदमी चले गए, चार आदमी आ गए, ऐसी कोई बात नहीं है। देखे कब से ये रह रहे हैं? ये 12-13 साल से रह रहे हैं, हमसे पहले रह रहे हैं। तो क्या लगता है जो नाम आया वो गलत आया या कहा जा सकता है कि लिंक हो सकते हैं? हम कह नहीं सकते, हम जब देखा ही नहीं है, जब हमको मालूम हो तो हम बोले भाई सही है या गलत है नहीं, क्योंकि आप भी एक कर्मचारी हो तो, कर्मचारी तो पहचान तो लेता है, लेकिन पता चले तभी है ना, जो वो हरकत होती रहे, चार आ गया, चार चला गया, ऐसी होती तभी होता है, तभी देखता है। हम भी जाते हैं, सुबह जाते हैं 9 बजे, रात को 9 बजे आते हैं, नहीं हाँ ठीक है। वेट करो, वेट करो, दस दिन वेट करो, वेट करो, दस दिन। सर अज मैं आ रहा भुपिंदर का ही घर है, मैं वेख लेंदा।
सो तुहाडी जानकारी लई दस दिए कि गुआंढी सूबे च पुलिस ने वड्डी कार्रवाई की सी। इह हरियाणा पुलिस की वड्डी कार्रवाई सी जिस दे विच चार नौजवानों नूं शक्की अतवादी कह के पुलिस ने गिरफ्तार किया है ते वड्डी साजिश नूं अंजाम देण दे इल्जाम लगे ने। तो यह भी दस्सिया जा रहा है कि इन्हां चारां नौजवानों तों भारी मात्रा दे विच गोला बारूद ते हथियार बरामद किए गए हैं। हरियाणा के करनाल तो फड़े गए ने यह शक्की अतवादी जिसनों लैके पुलिस टीम जी पूरे मामले की जांच जुटिया हुई ने। तो इस तहत इस काबू किए गए नौजवान के घर जी है वह पुलिस पहुंची है। तो फिलहाल पंजाब पुलिस वालों मौके पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। लुधियाणा तो तरसेम भारद्वाज की रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब।